वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज हम ना एक अलग सी वीडियो बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, हम आजकल जो डिजिटल लूडो चल रही है उसका कंपैरिजन हम करेंगे हमारी ऑफलाइन वाली लूडो के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई जुगाड़ ना हो, कोई बोर्ड ना हो लूडो का और आपको मार्केट जाके लेके ना आना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी जुगाड़ मैं बताती हूँ। जो डिजिटल लूडो है आप उसको अपने किसी भी PC लैपटॉप जो भी है आपके पास उसको रखिए, खोल के उसके ऊपर कोई भी शीट बिछा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ऐसे बटन्स या ऐसे बीज आपके घर पे पड़े होंगे वो बन जाएंगी आपकी गुटियाँ। और अगर आपको ये डाइस बनानी हो तो मैं बताती हूँ, इसमें हमने पत्थर लिया था उसके ऊपर गूंद कर आटा लपेट के उसको ऐसे शेप दे दी थी और उसके बाद हमने परमानेंट मार्कर से नंबर्स लिख दिए थे। ठीक है, तो हम ऐसे खेल रहे थे। और दूसरा सिस्टम है, अगर आपके पास बोर्ड ना हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं, डिजिटल कोई भी इमेज आपको मिल जाएगी नेट पे, बहुत अवेलेबल है लूडो की बोर्ड की, तो आप उसको प्रिंट करके उस पर भी खेल सकते हैं। तो आप कंपैरिजन शुरू करते हैं। अब जो हमारी डिजिटल लूडो है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको बहुत स्पीड में काम करना है क्योंकि उनके पास और भी बाकी काम करने बचे हैं, तो वह लोग डिजिटल लूडो खेलते हैं। पर वो फील नहीं आती ना जो हम हाथ से ऐसे गुटी मारते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो ऑफलाइन वाली अच्छी है ना, जो हम हाथ से खेलते हैं। अब हाथ से क्यों खेलते थे हमारे पूर्वज वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि जब आप उसकी डाइस हिला के, आप अपने हाथ में हिला के आप अपना नंबर लेके आते हैं तो आपके जितने भी हाथ के प्रेशर पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर आता है थोड़ा, तो उससे क्या रहेंगे, आप सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। अब जो हमारी डिजिटल लूडो है उसमें क्या होता है, ना तो आप खुद काउंटिंग कर सकते हो, ना आप अपनी डाइस हिला सकते हो। बैठो, क्लिक करो, डाइस हिली, कौन सी गुटी आगे बढ़ानी है उस पर क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। भाई मैंने तो काउंटिंग ही लूडो खेलते खेलते सीखी थी, ऐसा हम हिलाते थे, 6 आता था, हम गुटी के बक्से काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6, फिर उस पर लेके आते थे, उसमें तो मज़ा ही आ जाता था, काउंटिंग भी सीख ली, लूडो भी खेल लिया, वाह जी वाह, दो काम एक साथ। तो ऐसे करने से क्या होता था, ऐसे करने से हमारी बुद्धि तेज़ रहती थी क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते थे कि कितने घर आगे बढ़ेगा अगर 6 आया है या 5 आया है या जो भी नंबर है। और क्या होता था, हमें ये पता रहता था कि जो डाइस होती है लूडो की उसके जो अपोजिट साइज होते हैं अगर उनको ऐड करो तो 7 आता है। ऑनलाइन लूडो में तो बस वो स्क्रीन खुद ब खुद ही कोई ना कोई नंबर ले आती है, ना डाइस वाली फील आती है ना कुछ, और कि जैसे हमारी डिजिटल लूडो होती है जिसको कई लोग ऑनलाइन लूडो भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऑनलाइन का भी ऑप्शन होता है, कंप्यूटर के साथ खेलने का भी होता है, लोकल के साथ, लोकल किसी के साथ अपने घर के अंदर बैठ के ऑफलाइन खेलने का भी सिस्टम होता है। तो ये जो ऑनलाइन और जो ये जो डिजिटल लूडो है खेलने का सिस्टम हमारा, उसमें ना वो मज़ा नहीं आता। मतलब ठीक है, आप कभी भी अगर आपके घर का कोई फ्री नहीं है तब खेल सकते हो ऑनलाइन किसी के साथ या कंप्यूटर के साथ, पर कंप्यूटर सामने वाला बोलेगा क्या, अरे रे 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 मेरी गुटी मत काटना, ए मेरी गुटी कट रही है, मत काटना प्लीज क्षमा कर दो, ये मेरी गुटी घर में गई, ऐसे होता है नहीं ना। ये मज़ा तो ऑफलाइन में ही आता है ना, जब आपको साथ में कमेंट्री मिलती है लूडो खेलते खेलते, ये हमारा छक्का, ये घर के अंदर घुस गई। ओके ठीक है समझ गई, ज़्यादा हो गया था, अब मज़ा आता है ना वो कमेंट्री याद कर करके, इसलिए बता रही थी आप लोगों को कि हम ऐसे खेलते थे घर में। और आपको पता है कि अब ये जो डिजिटल लूडो है उसके रूल्स तो वो एप्लीकेशन ही सेट करेगी, पर हमारे घर में जब हम ऑफलाइन लूडो खेलते थे तो क्या होता था, कोई एक बोलेगा कि 6 से खोलेंगे गुटी, तो दूसरा 1 से खोलेगा, कोई बंदा 1 गुटी से पूरी लूडो खेलेगा तो कोई 4 से। अब हम जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाते थे हमें याद रखना पड़ता था कि वो उस रिश्तेदार के रूल्स क्या हैं, ऑनलाइन लूडो कुछ याद रखने का ही नहीं है, एप्लीकेशन गलत हो आप गलत चाल चल ही नहीं सकते, और कई एप्लीकेशन तो ऐसे है कि 6 के बाद कौन सा नंबर आना वही नहीं बताती। ऑफलाइन गुटी में एटलीस्ट पता लगता था अगर 6 5 आ रही है और गुटी कट रही है सामने वाले की तो काट सकते हो, और डिजिटल लूडो में मैच की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है
कि अच्छा 6 आया है तो 5 आने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, 6 बढ़ा ही देते हैं इस तरफ से। आँखें हैं वो भी इफ़ेक्ट तो आएगा ना, जब आप ऑनलाइन लूडो खेल रहे हो मतलब डिजिटल वाली, तो वो ब्लू लाइट से इफ़ेक्ट आएगा आँखों में, तो और बड़े बड़े चश्मे लगेंगे ऐसे, है ना। तो उन सब से बचने के लिए ऑफलाइन खेलो, मज़े से खेलो, कमेंट्री मुफ्त में मिलेगी। और काटने का तो अलग ही मज़ा है ऑफलाइन में। और क्या ही बताऊँ, मुझे तो हाँ मतलब ऑफलाइन में टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब खुद गूटी मारोगे तो। हाँ ऑफलाइन का तो एक और बात बताती हूँ क्या होता था, जब हम छोटे बच्चे थे ना, हमें लगता था ज़्यादा अगर हम गूटी को हिलाएंगे ना ऐसे 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 ऐसे, फिर डालेंगे तो 6 आएगा। मतलब ऐसा होता है ना कई बार, बस 1 2 3 1 2 3 के बीच में ही घूमते रहते हम, तो हम बचपन में ना उसको ज़्यादा हिलाते थे कि अब 6 आया अब 6 आया, पर वो 6 तभी भी नहीं आता था। मतलब बहुत देर बाद आता था, 6 आता था बट उसका कोई उससे लेना देना नहीं था कि ज़्यादा हिलाओगे तो 6 आएगा। ऑनलाइन वालों में तो कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा, इट्स लाइक बस बटन टेपो, और उसमें भी ये नहीं हो सकता कि तुम 3-4 बार उसको टेप सको जैसे हम ऐसे ऐसे करते थे ना, मतलब उसको दबा सको। मतलब आजकल जगह जगह रीजनल इफेक्ट आता है ना, टेपो 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 इसे दबाना, अगर मैं आगे भी वीडियो में बताऊँ या पहले यूज़ किया हो मैंने तो समझ जाना, ठीक है। तो और हाँ ऑनलाइन लूडो का एक फ़ायदा बताती हूँ, आजकल क्या होता है देश विदेश के लोग एक साथ ऑनलाइन लूडो खेलते हैं, ठीक है। मतलब अभी तक ऑफलाइन की तारीफ करी थी, ऑनलाइन के भी एक दो गुण बता ही देती हूँ जब बात शुरू हुई है। तो ऑनलाइन लूडो का क्या फ़ायदा है, ये फ़ायदा है कि जब आप अलग अलग लोगों के साथ खेलते हैं, वहाँ पे एक चैट बॉक्स होता है ना, आप लोग ने भी खेला ही होगा। और पबजी वाले तो खासकर आजकल डाल रहे हैं कि पबजी ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, हम लूडो खेलेंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, खेलो खेलो अच्छी बात है। पर हाँ तो कमिंग बैक जो मैं बता रही थी, तो ये जो लूडो हम खेलते हैं उसमें चैट बॉक्स होता है, तो अलग अलग लोग अपनी अपनी गेम के साथ अपने देश अपने प्रांत के बारे में वहाँ बातें करते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी जीके बढ़ती है। तो मुझे लगता है आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऑनलाइन और डिजिटल दोनों तो आप भी खेलते होंगे लूडो, अगर डिजिटल नहीं खेली तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाली खेली होगी, जो घर पे बैठ के थे हम 4-5 लोगों के साथ खेलते थे, या जो बाकी हैं आधे आप में से कई होंगे जिन्होंने डिजिटल खेली होगी ऑनलाइन खेली होगी, है ना, मज़ा तो आया होगा। तो चलो एक साथ फिर खेलते हैं हमारी मैंने गुटी एक।